हेलो एवरीवन। तो अभी हम परक्विजिट्स के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे एकोमोडेशन फैसिलिटीज। ठीक है, एकोमोडेशन फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एकोमोडेशन फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ मीनिंग्स को समझ लेंगे ताकि आगे चल के डिफिकल्टी नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले हम मीनिंग्स को समझ लेते हैं। ठीक है, मीनिंग में हम सबसे पहले आपका समझेंगे एकोमोडेशन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें एकोमोडेशन इंक्लूड करती है। एकोमोडेशन आपका इंक्लूड करता है फ्लैट्स को, फार्म हाउस को। ठीक है, और कोई एकोमोडेशन होटल में हो, मोटल में हो, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस हो, ठीक है, मोबाइल होम हो, शिप हो, या कोई भी अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर में हो, तो वो आपकी एकोमोडेशन हो जाती है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन है उसी को ही कैरी फॉरवर्ड करना है। जिन एस्पिरेंट्स के पास बुक है आपको वो डिफिनीशन देख गई होगी, एकोमोडेशन की डिफिनीशन। ठीक है, बेसिक टर्म है। ठीक है, और दूसरा आपको जो डिफिनीशन है वो है आपकी होटल की। क्या होता है होटल? ठीक है, होटल आपका लाइसेंस्ड एकोमोडेशन है जो कि मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस के फॉर्म में होता है। ठीक है, सो एकोमोडेशन जो है, एकोमोडेशन आपका, ठीक है, जो कि प्रोवाइडेड इन होटल है, अगर एकोमोडेशन यानी रहने की जगह होटल में प्रोवाइड गई है, ठीक है, सो वो परक्विजिट नहीं मानी जाएगी, वो टैक्सेबल नहीं होगा एज अ परक्विजिट। कब? अगर जो उसका पीरियड ऑफ एकोमोडेशन है, रहने का जो एकोमोडेशन का पीरियड है, वो इक्वल टू और लेस देन 15 days, दैट मीन्स डज नॉट एक्सीड 15 days। ठीक है, और वो एकोमोडेशन जो है उन एम्प्लॉय को तब प्रोवाइड कराई जाती है जब उसका ट्रांसफ़र हो रहा हो। ठीक है, जब एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो रहा हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, सो होटल इंक्लूड्स लाइसेंस एकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ मोटल, सर्विस अपार्टमेंट और गेस्ट हाउस। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल विल नॉट बी टैक्सेबल एज परक्विजिट इफ द पीरियड ऑफ सच एकोमोडेशन डज नॉट एक्सीड 15 days, दैट मीन्स इक्वल टू और लेस देन 15 days। एंड ये दोनों कंडीशन है, एंड ओके, सच एकोमोडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस केस में इसको एज एन परक्विजिट टैक्सेबिलिटी नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए अभी हमने मीनिंग समझ ली, अब हम इसके अंदर समझेंगे अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन जो दो केस में इसको भी डील किया जाएगा, एक अनफर्निश्ड एकोमोडेशन जो हमारी सरकार प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट, और एक जो अदर देन गवर्नमेंट अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सेपरेटली जो है अनफर्निश्ड एकोमोडेशन जो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आइदर इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, हम उसको देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो गवर्नमेंट के केस में लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट हमारी डिटरमाइन करती है, तो डिटरमाइन बाई गवर्नमेंट। ठीक है, लेस, अब भाई एकोमोडेशन में रह रहा है तो कुछ रेंट भी पे कर रहा होगा। ठीक है, तो रेंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय से जो कोई रेंट रिकवर किया है। ठीक है, लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट ने डिटरमाइन की और एम्प्लॉय से जो रेंट रिकवर किया, जो बैलेंस आ गया उसका टैक्सेबल अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपको किस केस में हो गया? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। वॉट अबाउट नॉन या अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? ठीक है, सॉरी, नॉट एम्प्लॉय, इट्स अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इट्स एन अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय का तो टैक्स ही कैलकुलेट कर है ना। ठीक है, सो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के केस में कैसे करेंगे? इसमें भी हमारा जो केस है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर खुद ओन्ड कर रहा है, ओन्ड बाई एकोमोडेशन जो भी, खुद ओन्ड कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है,
उसके बाद लीज पे ले रहा है, लीज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लीज पे ले रहा है, लेकिन अदर देन ओन्ड आपका वर्ड यूज है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, यानी या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या अदर देन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है। और तीसरा आपका एकोमोडेशन इन होटल है, ये तीन क्राइटेरिया व्हेन द एम्प्लॉयर इज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। सो कैसे करेंगे, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी जो है वो तीन क्राइटेरिया में पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में आपका प्लेस ऑफ एकोमोडेशन यानी वो जगह कहाँ पे है उस हिसाब से डिवाइड हो रहा है। सपोज सिटीज जो है जिनकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है एज पर द लास्ट प्रिसीडिंग सेंसेस, सिटीज जो वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सीड है 10 लाख से ज़्यादा बट इक्वल टू और लेस देन है 25 लाख से, ठीक है। और फिर आपके बैलेंस अदर प्लेस, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, जो ग्रॉस अमाउंट होगी हमारी, जो ग्रॉस अमाउंट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 15% ऑफ दी सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट केस में 10% ऑफ दी सैलरी, और ये लास्ट केस में 7.5% ऑफ दी सैलरी, पहले में 15%, दूसरे में 10, और आखिरी में 7.5%। पहले की पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, दूसरे में मोर देन 10 लाख बट इक्वल टू और लेस देन 25 लाख, एंड देन अदर केसेस। तो 15%, 10% और 50, ये तो ग्रॉस अमाउंट हो गई, ठीक। तो हमारी नेट वैल्यू कैसे आती है, नेट वैल्यू हमारी कैसे आएगी, जो आपकी ग्रॉस वैल्यू आ गई एज पर 15%, 10% और 7.5% ऑफ दी सैलरी, ठीक है। उसमें से हम लेस कर देंगे रेंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। सो आपकी यहाँ पे नेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू माइनस रेंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपकी ये नेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि नॉन फर्निश्ड में आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते, एक फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है अगर, और दूसरा अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के केस में लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट लेस रेंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय बैलेंस टैक्सेबल है। अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तब उसमें तीन क्राइटेरिया दी, अगर प्रॉपर्टी ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है, अदर देन ओन्ड बाई एम्प्लॉयर दैट इज अ लीज्ड और एकोमोडेशन इन होटल। तो हमने पहला क्या देख लिया, ओन्ड बाई एम्प्लॉयर देख लिया, अब हम देखेंगे लीज के केस में, ठीक है। दैट मीन्स नॉट ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, नॉट ओन्ड बाई, व्हेन द एकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, ठीक है, और टेकन ऑन द लीज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेंट जो पेड कर रहे हैं एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर ने खुद की प्रॉपर्टी नहीं ली है, उसने लीज पे लिए, तो वो भी तो कुछ लीज की पेमेंट, कुछ रेंट की पेमेंट कर रहा होगा। तो वो जो एम्प्लॉयर रेंट की पेमेंट कर रहा है, ठीक है, या एम्प्लॉय के 15% ऑफ द सैलरी, ये फिक्स्ड है 15%, यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में से जो भी लोअर हुआ, ठीक है, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट में फिर वही आप माइनस करेंगे रेंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, रेंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय बैलेंस आपका नेट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे क्या है, जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर था तो परसेंटेज आपके कितने थे, 15%, 10% और 7.5%, तो उससे ग्रॉस वैल्यू आ रही थी। अब नॉट ओन्ड है तो क्या होगा, रेंट पेड, क्योंकि खुद का नहीं है तो किसी को तो किराया पे कर रहा होगा ना वो एम्प्लॉयर भी, तो रेंट पेड और 15% ऑफ दी सैलरी, यहाँ पे 15% फिक्स्ड है, ठीक। इन दोनों का जो भी लोअर होगा वो ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा, और नेट वैल्यू तो आप सबकी सेम ही है। अब लास्ट क्राइटेरिया क्या है, अगर होटल में है अकोमोडेशन, ठीक है, तो इस केस में क्या, होटल के चार्जेस तो पे कर रहा होगा एम्प्लॉयर, ठीक है। सो एक्चुअल चार्जेस जो पे कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, एक्चुअल चार्जेस, और यहाँ पे फिक्स्ड है 24% ऑफ सैलरी, ठीक है। इसमें से जो भी लोअर हुआ वो आपका हो जाएगा, जो भी लोअर हुआ वो ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, और लेस अमाउंट पेड बाई एम्प्लॉय
या रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, सेम मीनिंग है, बैलेंस आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी। ग्रॉस आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकालना है, नेट आपके सारे केस में सेम है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। एक बार क्विक रिकॉल करा देती हूँ, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इन एवरी एग्जाम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो फटाफट देख लेते हैं अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, यहाँ से हम कैलकुलेशन देखना है, ठीक है। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में हमारी अकोमोडेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक की अगर एम्प्लॉयर हमारा सरकारी है या अदर देन सरकारी यानी गवर्नमेंट इन अदर देन गवर्नमेंट। अदर गवर्नमेंट है हमारा तो गवर्नमेंट हमारी कुछ लाइसेंस फी फिक्स करती है, वो हमारी ग्रॉस अमाउंट होती है, उससे रेंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस कर देंगे, आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की, ठीक है। अगर अदर देन गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के अलावा है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, ठीक है। सो उसके तीन क्राइटेरिया हैं, अगर उसका खुद की जगह है, अगर उसने लीज या रेंट पे ली है, या उसने एम्प्लॉय को होटल पे ठहराया है। अगर उसकी खुद की जगह है तो उसको बाहर तो कुछ पे ही नहीं करना, तब पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि कहाँ पे है। तो 15%, 10% और 7.5% ऑफ दी सैलरी हो जाएगा, और उसमें वो हो जाएगा आपका ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट से लेस कर देंगे रेंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपकी नेट वैल्यू हो जाएगी। अगर एम्प्लॉयर ने जो है कुछ अपने से ओन नहीं किया हुआ है, रेंटिंग या लीज पे लेके रखा है, तो वो उसको कुछ चार्जेस पे कर रहा होगा, उस चार्जेस में और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, वो आपकी ग्रॉस अमाउंट हो जाएगी, नेट वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। और थर्ड केस आपका होटल का है, उसमें स्ट्रेट अवे जो एक्चुअल चार्जेस उसने पे किए हैं और 24% ऑफ द सैलरी, जो भी आपकी 24% ऑफ द सैलरी है, ठीक है। ऊपर 15% है, यहाँ पे 24% है, और जब खुद का है तो 15%, 10% और 7.5%, ठीक है। ये याद कर लो, 24% जो लोअर होगा वो आपकी ग्रॉस वैल्यू हो जाएगी और नेट आप निकाल ही लोगे। ये आपका हो गया अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का, ठीक है। अब सैलरी, सैलरी यूज हो रहा है बार बार, तो सैलरी में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सैलरी की डिफिनीशन ले लीजिए, बेसिक सैलरी प्लस डीअर्नेस अलाउंसेस, ठीक है, इफ कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। डीए हो गया आपका लास्ट, बोनस या कोई कमीशन या एक्सग्रेशिया, ठीक है, हर तरीके के ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है, हर तरीके के टैक्सेबल अलाउंसेस और कोई मॉनेटरी जो पेमेंट्स होंगी वो, आपकी सैलरी की डिफिनेशन होती है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अकोमोडेशन फैसिलिटीज, ठीक है। तो आपने अभी अनफर्निश्ड अकोमोडेशन देखा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फर्निश्ड अकोमोडेशन का। फर्निश्ड अकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं फर्निश्ड अकोमोडेशन, तो इसमें बहुत ही सिंपल है, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड चाहे जिसी का भी ऊपर, ठीक है। आपने अनफर्निश्ड का तो फॉर्मूला देख ही लिया, ठीक है, जो भी तरीके हैं आपने अनफर्निश्ड लिया उसमें आपने ऐड क्या क्या करना है। फर्निश्ड है तो फर्नीचर की वैल्यू, अब इसमें भी दो क्राइटेरिया होगा, वैल्यू ऑफ फर्नीचर या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा, ओन्ड होगा उसका खुद का फर्नीचर एम्प्लॉयर का, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, या हायर्ड होगा, ठीक है, हायर्ड होगा। अगर ओन्ड होता है उसका, ठीक है, सो 10% पर एनम, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है, 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अगर खुद का है, और अगर हायर्ड होता है तो जो हायर चार्जेस है, एक्चुअल हायर चार्जेस, ये ऐड हो जाना है आपके, ठीक है। लेस क्या हो जाएगा, क्योंकि इससे तो ग्रॉस अमाउंट आ गई, लेस कर दोगे जो एम्प्लॉय से चार्ज किया है इसने कुछ भी, या एम्प्लॉय से रिकवर किया ऑन द अकाउंट ऑफ फर्निशिंग, ठीक है, एनी चार्जेस पेड और पेबल बाई एम्प्लॉय, ठीक है। तो बैलेंस क्या होगा आपके, फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फर्नीचर में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, टेलीविजन सेट आता है, रेडियो, रेफ्रिजरेटर,
हाउस होल्ड के सारे अप्लायंसेस आ जाते हैं, एयर कंडीशनर आ जाता है, ठीक है, और कुछ गैजेट्स हैं, तो इट्स अ वेरी वाइड टर्म, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है, कि किस क्या कहते हैं आपका फर्निश्ड का और अनफर्निश्ड का। इसमें कुछ और डिटेल क्राइटेरिया हैं कि किन किन केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लाइक माइनिंग साइट पे नहीं एप्लीकेबल होता है, ऑफशोर साइट पे, डैम साइट पे, पावर जनरेशन साइट पे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑनशोर, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और कौन सी कंडीशन में नहीं लोगे, जब टेम्पररी नेचर का हो, ठीक है, इस केस में नहीं होगा। और वेरी इन डेप्थ हम नहीं जा रहे, जितना आपका पोर्शन है आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट में, हम वहीं तक स्टिक रहेंगे, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज ऑन ट्रांसफर है, ठीक है, सो अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इन केस में फॉर फर्स्ट 90 days ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, और अगर उसको अकोमोडेशन प्रोवाइडेड कर रहे हैं दोनों जगह पे, एट द एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ वर्क और इन द न्यू प्लेस ऑल्सो वर्क, ठीक है, तो जो भी लोअर होगा, ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट 90 days। अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर जॉब है, ठीक है, एम्प्लॉयज ऑन ट्रांसफर फॉर द फर्स्ट 90 days ऑफ ट्रांसफर, वेर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ इन द एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ वर्क एंड द न्यू प्लेस ऑफ वर्क, दोनों जगह पे दिया है अकोमोडेशन, ठीक है, तो जहां पे लोअर वैल्यू होगी, क्योंकि इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो जहां पे लोअर वैल्यू होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। और अगर आफ्टर 90 days है, पहले 90 दिन तो अलाउ कर दिया, ठीक, लेकिन अगर आफ्टर 90 days हो जाता है, 90 दिन से ज्यादा हो जाता है और दोनों जगह पे अकोमोडेशन है, तो बोथ पे टैक्स लगेगा, पहले तो लोअर में लगेगा, और अगर 90 days से ज्यादा हो जा रहा है तो बोथ के केस में वहां पे टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर, ठीक है। तो किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी डाउट है, इसकी कुछ लिस्ट है वो बुक में दी हुई है कि किस किस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने फिर भी आपके सामने एक वर्ड्स मेंशन कर दिए कि माइनिंग साइट पे नहीं है, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पे नहीं है, ऑफशोर साइट पे नहीं है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट पे नहीं है, डैम साइट पे नहीं है और पावर जनरेशन साइट पे नहीं है। इन्हीं केवल 6 केसेस में आप जो है एप्लीकेबल नहीं होगा वैल्यूएशन, ठीक है। लिख देती हूँ भाई, माइनिंग में नहीं है, ऑफशोर में नहीं है, डैम की साइट में नहीं है, ऑनशोर ऑयल में नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में नहीं है, पावर जनरेशन में नहीं है, पावर जनरेशन सिर्फ इन 6 केसेस में एप्लीकेबल नहीं है आपका कैलकुलेशन। अदरवाइज आई होप आपको कंप्लीट कंप्यूटेशन करा दिया है। हम एक नेक्स्ट वीडियो में इसका एक अच्छे से न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, ठीक है, और फुल फ्लेज में भी लेकर चले आएंगे एक न्यूमेरिकल, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बेसिकली इफ यू वांट, हम इसको फुल फ्लेज में ही एक न्यूमेरिकल लेकर आएंगे जिसमें सारे क्राइटेरिया को आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सो किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी डाउट रहता है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ के यहीं क्लियर करके और इसी वीडियो के साथ याद कर लेना है, ठीक है, और मेमोराइज कर लेना है। सो प्लीज कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप मोटिवेटेड योर सेल्फ। मोटिवेशनल वीडियोज पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, कोर्स बहुत ज्यादा है, उसको ही पढ़ लें तो बहुत है, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट मी। गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।